दोस्तों, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 से डेली अपडेट कोई ना कोई आता रहता है जो फैंस को और एक्साइट करता है फिल्म को देखने के लिए। खबर आई है कि रूस के बाद अब फिल्म टाइगर 3 की पूरी टीम तुर्की में शूट कर रही है। एक और जहां फिल्म के एक्शन सीन्स की चर्चा है, वहीं बता दें तुर्की में सलमान और कैटरीना कैफ पर फिल्म का एक रोमांटिक गाना फिल्माया जाने वाला है जो बॉलीवुड का अब तक का सबसे महंगा सॉन्ग माना जा रहा है। यशराज बैनर फिल्म टाइगर 3 को इस फ्रेंचाइजी की बाकी दो फिल्मों से ज़्यादा बड़ी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस गाने का बजट है 3 करोड़ रुपए। फिल्म के इस गाने के बारे में कहा जा रहा है कि ये टाइगर जिंदा है कि स्वैग से स्वागत से भी बड़े लेवल पर बनाया जाने वाला है और उसे टाइगर 3 के एंड क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस गाने की शूटिंग तुर्की ने कैपोडोसिया में होगी। टाइगर 3 के इस गाने को वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफ करने वाली है और रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस गाने के लिए दमदार हुक स्टेप भी तैयार कर लिया है। देखा जाए तो पिछले दिनों फिल्म के सेट पर से सलमान खान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। कहीं सलमान खान फैंस के साथ दिखाई दिए तो कहीं सीन्स की तैयारी करते हुए। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग कुछ इंडिया में हुई, जिसके बाद फिलहाल एक लंबे इंटरनेशनल शेड्यूल को पूरा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर 3 को ईद के मौके पर 2022 में रिलीज किया जाएगा। वेल, इंतजार रहेगा 3 करोड़ के सॉन्ग का कि कितना माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है और क्या बाकी के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाता है या नहीं ये सॉन्ग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर 3 के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।